अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है नरोज अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नरोज अली ऑफिशियल। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये मेरी बैक साइड पे चारों तरफ, ये देखें मैं कैमरा घुमाता हूँ, मैं हूँ इस टाइम ये चुलस्तान के पास ना, चुलस्तान में एक ये छोटा सा गांव बना हुआ है, बहुत ही प्यारा ये गांव है। ये फरारी खड़ी हुई है, ये देखें, ये फरारी पे मैं आया हूँ यहाँ पे। तो अभी मैं आपको, ये छोटा सा एक गाँव है, ये मैं दिखाता हूँ अभी, ये देखिए चुलस्तान है चारों तरफ। इतनी ज़्यादा यहाँ पे गर्मी, आई थिंक इसी टाइम जो है ना 45 डिग्री का यहाँ पे दर्जा आ रहा था इस टाइम। तो अभी ये सुबह का 8:30 का टाइम है, अभी 8:30 ही यहाँ पे, ये मतलब कितनी ज़्यादा गर्मी फील हो रही है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, अभी ये दोपहर के टाइम जो है ना, ये 50+ का जो है डिग्री पे चला जाएगा दर्जा हरारत यहाँ का। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि जो हमारी नई आने वाली वीडियो जो है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और मुझे अपना फीडबैक जरूर दिया करें ताकि मैं आपकी डिमांड के मुताबिक जो आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहूं। ये देखिए, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ये देखिए जी, ये मेरी फरारी है, इस फरारी में मैं यहाँ पे आया हूँ, तो अभी इसी पे चलते हैं, फरारी को करते हैं स्टार्ट। ये देखिए, ये चुलस्तान है सारा, और गर्मी की जो शिद्दत है वो मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं अल्फाजों में बयान कर सकूं। चलिए अभी ज़रा ये मैं फरारी स्टार्ट करता हूँ। तो ये जो रोड है, ये इस गांव के बीच में से, यानी एक साइड से गुजरता है, बिल्कुल सीधा जाता है ये, और इसी रास्ते से आगे चिश्तिया शहर की तरफ जो है आगे मेन रोड निकल जाता है। और ये जो रोड है टूट फूट का शिकार है, और ये कुछ दरख्त लगे हुए हैं यहाँ पे, तो गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। और ये भाई साहिब हैं, ये यहाँ पे गोले बेचते हैं बर्फ़ के, और ये चाहते हैं कि ये चुलस्तान के लोग हैं ये ठंडे रहें, गर्मी से बचे। और ये पीछे लिखा हुआ है पाक फ़ौज को सलाम। ये देखें ये बर्फ़, और ये बर्फ़ के गोले बना के बेचते हैं। हर कोई अपने रिज़्क़ की तलाश में होता है। और ये इनका कब्रिस्तान है, छोटा सा कब्रिस्तान है, और आई थिंक ये देखें ये चंद कब्रें यहाँ पे बनी हुई है। यहाँ पे कोई डेथ किसी की हो जाती है तो उनकी जो तदफीर है यहीं पे करते हैं ये लोग। अभी कब्रिस्तान बिल्कुल छोटा सा है। Thank you.
और ये जो गांव है ना, ये चिश्तियाँ शहर से तकरीबन 8 किलोमीटर के फासले पे है। यहाँ से अगर चिश्तियाँ शहर जाना हो तो 8 किलोमीटर दूर चिश्तियाँ शहर है यहाँ से। और चिश्तियाँ जो है ये तहसील है यहाँ की, और यहाँ का जो ज़िला है ज़िला बहावलनगर लगता है यहाँ का। और आप देख सकते होंगे कि यहाँ पे मैंने ये जितना भी गांव ये शूट की वीडियो, यहाँ पे आपको बहुत से कम लोग नज़र आए होंगे। एक तो ये यहाँ पे रहने वाले कम लोग हैं, आबादी बहुत कम है, बड़े बड़े घर हैं बने हुए। और सेकंड बात ये है कि यहाँ पे जो है गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी की वजह से जो लोग हैं वो घरों में महफूज हैं बस। और ये बकरी है और इसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देखे भाग गए हैं मुझे देख के। गांव में रहने वालों की जो ज़िंदगी होती है बहुत ही सादा सी ज़िंदगी बसर करते हैं ये लोग। और ये लोग जो है सिर्फ इतना ही कमाते हैं, रिज़्क कमाते हैं कि जो इनकी ज़रूरियात पूरी हो जाए जिससे। और ये भाई साहब भी आ गया जनाब, ये जो है यहाँ पे ये कौन आइसक्रीम बेचते हैं यहाँ पे, इनका भी टारगेट यही है कि चोलिस्तान के लोग जो है वो गर्मी की शिद्दत से बच जाएं। ये देखिए जी, हर तरफ चोलोस्तार ही चोलोस्तार है, कहीं कहीं पे लोगों ने अपने घर बनाए हुए हैं, जहाँ पे घर बने हुए हैं वहाँ पे लोग रहते हैं बिल्कुल। और ये जनाब ये बकरा साहब बांधे हुए हैं, ये बकरा जी है, आई थिंक ये बड़ी ईद पे जो है ज़िबा हो जाएंगे, कुर्बान हो जाएंगे। और ये देखें यहाँ पे आबादी है, यहाँ पे दरख्त है। अब मैं जो बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को वो ये है कि ये दरख्त देख के आप अंदाज़ा करें कि शायद इसी लम्हे के लिए किसी ने लिखा है कि क्यों दरख्तों के साए को फल नहीं कहा जाता। तो यहाँ के जो स्पेशली चुलस्तान में रहने वाले जो लोग हैं उनसे पूछ के देखेंगे ये दरख्त जो है इनकी कीमत क्या है, इनकी वैल्यू क्या है। हम शहर में रहने वाले जो लोग हैं उनको इसकी वैल्यू का जो है, दरख्तों की वैल्यू का कोई पता नहीं है। तो ये जो दरख्त है इनकी छांव जो है दरख्तों की, ये इनके लिए किसी नेमत से, किसी भी फल से कम नहीं है। और ये यहाँ का छोटा सा किराना स्टोर बना हुआ है, और ये मेरी फरारी। जी
तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। यहाँ पे एक ये चोलिस्तान का एक विलेज था, गांव था, छोटा सा बना हुआ, बड़ा खूबसूरत सा, इसको मैंने विजिट किया और इसके लिए आपके लिए मैंने व्लॉग बनाया यहाँ। तो अभी गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है तो भी यहाँ से वीडियो का करते यहीं पे इख्तिताम। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो में। मुझे अपना फीडबैक जरूर दिया करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी मुझे अपनी दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।